चाहते हैं आपकी आपकी किस्मत चमके, चाहते हैं ना कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तकदीर आपकी खुल जाए। तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स आज बताने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हो, आप खुद परिवर्तन देख पाएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ अब आपके सारी रुकावटें दूर हो गई है। सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको मांगने पे भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कई बार होता है ना, पड़ोसी या कोई भी आते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई है तो हमें ये दे दीजिए, तो वो चीज़ें हैं दूध, दही, प्याज और नमक। ये चीज़ें भूल के भी आपको सनसेट के बाद नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत भी ख़राब होती है, प्लस आपको पैसों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपको घर की छत पे ना तो बेडशीट धोनी चाहिए ना ही अनाज धोना चाहिए। आप अनाज को सुखा सकते हैं, बेडशीट बिस्तर को सुखा सकते हैं, लेकिन धोना नहीं है। अगर छत पे आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, जो भी आपके काम है उसमें रुकावटें आती चली जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मित्रों का हमेशा सहयोग मिले और कहीं से भी आपको हमेशा वक्त आने पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे, तो आज तीसरा पॉइंट जो बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फल तो हम सभी खाते हैं, फल खाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब हम उसको छीलते हैं तो उसके छिलकों को क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। आपको कूड़ेदान में नहीं डालना है, आपको उसके बजाय घर के बाहर फेंकना है। घर के बाहर फेंकने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको रोड पे फेंक दें और गंदगी करें, नहीं, आपको क्या करना है, इसको कहीं पे भी पेड़ के नीचे डाल देना है या मिट्टी में डालना है। अगर रोज़ आपसे नहीं होता तो इकट्ठा कर ले और एक साथ जाके डालना है। अगर आपके घर के यहाँ पे ही गार्डन है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस उपाय को ज़रूर से आप एक बार करके देखिएगा। महीने में एक बार कोशिश करें कि आप मिश्री वाली खीर, चाहे फिर वो खीर कोई भी हो, घर में ज़रूर बनाएं, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो। वैसे पूर्णिमा वाले दिन अगर आप करते तो वो बहुत ही बेस्ट है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन नहीं कर सकते तो महीने में कभी भी एक दिन आप ज़रूर से बनाइएगा, सुबह को या शाम को, और घर के परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर से ये खीर आप दीजिएगा। अगर नहीं तो आप खुद ही खा लीजिए, कोई भी खीर आप ये बना सकते हैं, लेकिन मिश्री का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं मिश्री डालना चाहते तो फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो भी आपके सेवा कर्मी हैं या आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, तो जो भी आपके साथ में काम करते हैं, यहाँ तक कि सेवा कर्मी भी, महीने में एक बार उनको कुछ ना कुछ मीठा आप अपने हाथ से ज़रूर से दें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे फिर वो केक हो, चाहे फिर वो चॉकलेट्स हो, या कोई भी मिठाई हो, ज़रूर से ऐसा कीजिएगा। ऐसा जब आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि सारी रुकावटें तो आपकी दूर होगी, आप दिन ब दिन उन्नति करते चले जाएंगे। ये आजमाए हुए उपाय हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ और वाकई में ये फ़र्क लेके ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है, आपके घर के लिए भी अच्छा है, आपके घर का वासु दोष भी दूर करेगा और साथ ही साथ अगर आपको कर्जे की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोर्ट केस का मामला है, तो भी आप इस उपाय को कीजिएगा। सिंपल सा उपाय है, डेली आपको ये करना होगा। बीच में कभी अगर गैप आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इस उपाय को कीजिएगा। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, बाथरूम में या टॉयलेट में, कोई भी एक या बाथरूम आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बाथरूम में आपको करना है, और आपके रसोई घर में आपको बाल्टी भर, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बाल्टी भर पानी रखना होता है, दूसरे दिन इस पानी को गिराना होता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर बाल्टी भर पानी आप भर के रखेंगे दूसरे दिन गिरा देंगे तो ये पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा बर्तन ले लें, छोटा सा मग आप ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, और उसमें पानी भर के आप रख दें। खुला आपको रात भर एक बाथरूम में बना के रखना है और एक ऐसा रसोई घर में रखना है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। दूसरे दिन आप इसको सिंक में या टॉयलेट में गिरा सकते हैं। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप खुद देखेंगे कि जो भी आपकी परेशानियाँ ना वो दूर होती चली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी
गुरुवार को आप पीली चीज़ ज़रूर से आप अपने घर में बनाएं। कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो मीठा हो, तो आपको पीली चीज़ बनानी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि गुरुवार वाले दिन कभी भी आपको हरी सब्जी या हरी चीज़ नहीं खानी है। उसी प्रकार से बुधवार वाले दिन आपको हरी सब्जी या हरी चीज़ खानी है, जैसे हरे मूंग हो गए, पालक हो गए, कोई भी हरी चीज़। लेकिन उस दिन आपको पीली चीज़ नहीं खानी, जैसे कि चने की दाल हो गई या बेसन की कोई चीज़ हो गई। और लास्ट और जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रात को कभी भी आपका जो रसोई घर का जो सिंक होता है ना, उसमें कभी भी आपको जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अगर हो सके तो एटलीस्ट पानी से उसको निकाल के रख दीजिए। देखिए, भले आपके घर में सेवाकर्मी आती होगी बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों की आदत क्या होती है ना कि वो बर्तन के अंदर ही, जैसे सपोज़ आपने खाया तो कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, मान लो कि कड़ी पत्ता रह गया, मिर्ची निकाल के रखी तो वो मिर्ची उसमें रह गई, तो उसी के समय वो प्लेट या जो कटोरी होती है वो सिंक में डाल देते हैं। फिर जो सेवा कर्मी आती है वो उसमें से सब आ डाल के साफ़ करती है, उसके बाद बर्तन धोती है। तो घर में ये सभी को आदत डाल दे कि प्लेट में जो भी आपने बचाया है, जो थोड़ा बहुत, उसको निकाल के एक डस्टबिन में डाल दे, या तो क्या करे, एक प्लास्टिक बैग या कोई भी एक छोटा कंटेनर सिंक के पास में रख दे, ताकि झुकना भी नहीं पड़े, और जो भी मेंबर घर का आए प्लेट लेके वो उसी में से निकाल के पहले साइड में रख दे और फिर उसको सिंक में डाले। तो ये अगर आप आदत घर में सभी को डालते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो आप वाकई में देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर होती चली जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए डेली लाइफ में आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यही छोटी चीज़ें आपकी किस्मत को चमका सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। विद इन अ मंथ आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताने वाले हैं कि अब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।